Assalamu alaikum. I am Dr. Mujahid Farooq, your sex therapist at Men's Care Clinics. एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मुझे ऑनलाइन बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि पेनिस में कर्वेचर आ जाता है। देखें, ये कर्वेचर दो तरह के हो सकते हैं। एक वो कर्वेचर जो नेचुरली डेवलप हो गए हों, वो डेवलप क्यों होते हैं मैं अपनी दूसरी वीडियो में ऑलरेडी वो बता चुका हूँ, बट शॉर्टली आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कर्वेचर नेचुरली डेवलप होते हैं, वो चूँकि हमारे टाइट अंडरवेयर पहनने की हैबिट हो तो वो जिस साइड को आप उसको रखेंगे पेनिस को, वो उस साइड पे कर्वेचर आना शुरू हो जाएगा। फिर मास्टरबेशन की हैबिट है, अगर उसमें आप राइट हैंड यूज़ करते हैं तो राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं तो लेफ्ट साइड पे वो कर्व पड़ सकता है। इसे नेचुरल कर्वेचर कहते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई पेन नहीं होता। लेकिन एक और कर्वेचर होता है जो आपकी इरेक्शन के टाइम पे आता है। जो नेचुरल कर्वेचर होते हैं वो जब आपको इरेक्शन आती है तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होते, लेकिन वो कर्वेचर जो इरेक्शन आने पर ज़्यादा ज़ाहिर हों वो वरीसम होते हैं, हमें उसके बारे में देखना चाहिए। और ऐसे कर्वेचर जो हैं वो मोस्टली पेरोनीज डिज़ीज़ की वजह से होते हैं। आज हम बात करेंगे पेरोनी डिज़ीज़ पे। पेरोनी डिज़ीज़ होती क्या है? पेरोनी डिज़ीज़ जो है वो एक स्कार फॉर्मेशन होती है आपके पेनाइल टिश्यू में, उसके अंदर एक स्कार फॉर्मेशन बन जाती है जिसकी वजह से इरेक्शन आने पर जो पेनिस है वो जिस साइड पे स्कार बना होगा वो उस साइड पे करवाना शुरू हो जाएगा, और ऐसे कर्वेचर से आपको पेन रह सकती है, सेक्स डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही एक नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि हाउ कॉमन इज़ दिस पेरोनी डिज़ीज़ और किन लोगों को ये पेरोनी डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखें, हम इसकी बात करें कि कितना कॉमन है, तो ये हर 11 में से एक मर्द को ये प्रॉब्लम, ये शिकायत हो सकती है, तो ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है। अब इस पे इसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, बहुत ही माइनर माइल्ड किस्म का हो सकता है या फिर सीवियर हो सकता है। माइल्ड किस्म के पेरोनी डिज़ीज़ के केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत माइनर हो तो वो खुद भी डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर वो माइल्ड नहीं है, उससे अपग्रेडेड है, थोड़ा सीवियर है या मीडियम लेवल का वो स्कार फॉर्मेशन हो गई है, तो वो खुद से नहीं जाता है। और किन लोगों को हो जाता है? ये उन लोगों को हो जाता है जिन लोगों को जो आदत हो बहुत वेगरस मास्टरबेशन या सेक्स करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लोग जो बहुत टाइट हाथ रख के अपनी मास्टरबेट करते हैं, उसकी वजह से उनके पेनाइल टिश्यू पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई माइक्रो डैमेजेस, माइक्रो ट्रॉमास हो जाते हैं, तो उसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। या फिर अगर मैरिड पर्सन है तो बहुत ही ज़्यादा विगरस क्वाइटस करने के नतीजे में मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल टॉप पोजीशन में जो है ये इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब फीमेल टॉप पर होती है और विगरस सेक्स हो रहा हो तो उस दौरान अगर पेनिस वजाइना से बाहर निकल आए और दोबारा वापस जाने पर वो जा ना पाए और अपने पार्टनर की बॉडी से लग के वो बेंड हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ट्रॉमा होने का चांसेस होता है। उस ट्रॉमे के नतीजे में स्कार फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसके साथ ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेरोनीज डिजीज़। देखें, देखने में बज़ाहिर ये आपको महसूस नहीं होता अंटिल ये बहुत ही सीवियर लेवल पर चला जाए और एक गिल्टी टाइप बनी आपको महसूस होने लग जाए, लेकिन देखने पे अमूमन ये इस तरह नहीं होता, इवन सीवियर केसेस में भी। हाँ, इरेक्शन आने पर जो सबसे बड़ी सिम्टम है, आपका सेक्स डिस्टर्ब हो जाता है, आप सेक्स के दौरान तकलीफ़ महसूस करते हैं अपने पेनिस में, उस जगह जहाँ ये नॉड सी या स्कार बना हो या ये गिल्टी सी बनी हुई हो, इसमें ये होता है। फिर इसके साइंस में ये हो जाएगा कि आपका इरेक्शन आने पर जिस साइड पे ये गिल्टी होगी, पेनिस उस तरफ टर्न होना शुरू हो जाएगा, बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अदरवाइज़ ये कुछ नहीं कहता, सिर्फ सिंपल एक तो एनाटॉमी को डिस्टर्ब करेगा, उसकी जो शेप है पेनिस की उसको डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप शेप को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको मेंटली जो है एनजाइटी में ले जाएगा, डिप्रेशन में ले जाएगा कि ये बैंड है, क्यों बैंड है, कैसे हुआ है, तो वो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है इसका। अदरवाइज़ पेन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अगर इसको आप टाइमली ट्रीट नहीं करते, नहीं देखते हैं, तो आपका सेक्स डिस्टर्ब होगा और सेक्स के दौरान पेन होगी। तो ये कॉमन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो पेरोनीज डिज़ीज़ आपको दे जाती है। अब लास्ट तीन सवाल जो हैं वो ये बनते हैं कि
जो प्रोफेशनल होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं या सेक्स प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, फिर सेकेंड ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड है कि फिर इसको ट्रीट कैसे करेंगे, और अगेन एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। तो हम सबसे पहले ये बात इस पे बात कर लेते हैं कि देखें, इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते, ये होने को माइक्रो डैमेज किसी भी कंडीशन में हो सकता है, और अगर वो हो जाता है तो ये हो जाएगा, इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, विग्रस सेक्स नहीं करना चाहिए आपको, कंफर्टेबल रह के कंफर्टेबल पोजीशन में कंफर्टेबल प्रेशर के साथ जो है वो आप अगर सेक्स करते हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं कहता। दैट इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन अवॉइड। इसके अलावा आप अगर मुझसे पूछें कि ऐसा क्या खाएं या ऐसी क्या एक्सरसाइज करें जिससे इससे बचा जा सके, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। अब हम आते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। देखें, पहली चीज़ जब पेशेंट आके हिस्ट्री देता है तो उसकी हिस्ट्री से ही आप कुछ आइडिया लगा लेते हैं डायग्नोसिस का कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि जी मुझे कर्वेचर है, माइल्ड कंडीशंस में वो कहता है कि इरेक्शन आती है तो पेनिस जो है वो कर्व आ जाता है उसके अंदर, ये कॉमन सी कंप्लेन होती है। लेकिन जिनको सीवियर मसला होता है वो पेन के साथ आते हैं कि जी जब भी मैं मुझे इरेक्शन आती है, मैं पार्टनर के साथ होता हूँ, जैसे ही इरेक्शन आती है कर्वेचर आता है, मुझे पेन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से मैं सेक्स नहीं कर पाता। तो ये एक जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है हमारा। लेकिन फिर इसकी कंफर्मेशन करने के लिए ऑफकोर्स आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उससे ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। अगर वहाँ कोई प्लेक फॉर्मेशन है, स्कार बन गया है, तो वहाँ आपको अल्ट्रासाउंड में वो नज़र आ जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पे हैं, माइल्ड सा प्रॉब्लम है या बहुत सीवियर है। तो इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे हैं, लेकिन ये ट्रीटेबल होता है। इसको आप यूँ, अगर सीवियर केस है तो इसको हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी स्टिल ये इतना सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आ जाता है कि आपको ये फर्दर डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए मोस्ट सीवियर केसेस में फिर इसको इसके लिए सर्जरीज भी रिकमेंड की जाती हैं, बट सर्जरीज आजकल जो हैं वो बहुत ही कम की जाती हैं, क्योंकि इसको जो है वो आप ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये था पेरोनिस डिजीज़ के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने क्वेश्चंस मुझे भेजते रहिए। थैंक यू।